नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। रेगुलर वीडियोस देखें, रेगुलर काम करें, सभी चीज़ें नॉर्मली आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हम आज 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। 6.1 क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन इज दिस। यानी कि डायरेक्शन रेशो क्या दिए हैं? डायरेक्शन रेशो गिवन है हमारे पास 1, -3 और 2। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। हमें पता है डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन निकालने हैं तो हमारे पास क्या होता है? मान लो ए बी सी क्या दे रखे हैं? डायरेक्शन रेशो। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और फिर बी अपॉन क्या हो जाएगा? रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और सी अपॉन क्या हो जाएगा? रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ये क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो हमारे पास दिए हैं तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 का स्क्वेयर प्लस -3 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर कोमा -3 अपॉन कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वेयर प्लस -3 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर का रूट, और 2 अपॉन रूट ऑफ 1 का स्क्वेयर प्लस -3 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर। हमें पता है 1 का स्क्वेयर 1, 3 का स्क्वेयर 9, 9 और 1 10, 10 और 14। तो 1/√14, -3/√14 और 2/√14। ये हमारे क्या आ गए? डायरेक्शन कोसाइन आ गए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, क्या कह रहा है? इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रे कोसाइन, क्या दे रखे हैं? डायरेक्शन कोसाइन गिवन है तो कह रहा है डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन रेशियो। अब यहां से हम देखते हैं जो नीचे वाली वैल्यू होती है डायरेक्शन कोसाइन में, वो हमारी क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, और जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको ध्यान से देखें तो क्या है? सेम जो हमारे डायरेक्शन रेशियो होते थे वही है। ठीक है, डायरेक्शन रेशो ऊपर वाले होते हैं और नीचे वाले मिलकर क्या बनाते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। तो यहां देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास? 3 क्या है? सेम है। और इसका स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर, -1 का स्क्वेयर और -2 का स्क्वेयर का रूट अगर 3 आता हुआ तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन सही है। तो कितना मिलेगा? 4 + 1 + 4 कितना है? 9। 9 का रूट कितना होता है? 3 होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? डायरेक्शन रेशो हमारे क्या होंगे? जो ऊपर वाली वैल्यू है न्यूमिनेटर में वो हमारे क्या होंगे? डायरेक्शन रेशो 2, -1, -2, ये क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, क्या कह रहा है? ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, 7 और -1 एंड दिस। यानी कि ये हमारे पास क्या है? एक लाइन है, हम क्या नाम ले सकते हैं? पी और क्यू। पी की वैल्यू क्या होगी? 6, 7, -1 और क्यू की वैल्यू क्या होगी? -2, 3 और 1। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, क्या निकालना है? डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने का हमें पता है क्या करेंगे? एक वैल्यू में से, यानी कि हमारे पास पता है फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1, फिर क्या होगा? प्लस या फिर हम कोमा लगा सकते हैं, आई जे के यूज करेंगे तो कोमा लगाया कितना मिलेगा? y2 - y1 और z2 - z1। ठीक है, ये हमारे डायरेक्शन रेशो होंगे। तो डायरेक्शन रेशो क्या बन जाएगा हमारे पास? -2, -6, -3, -7, -1, -, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएगा हमारे पास? -8 और ये कितना हो जाएगा? 3 - 4 और ये कितना हो जाएगा? 2। ये हमारे डायरेक्शन रेशो आ गए। इसका स्क्वेयर करेंगे तो 8 - स्क्वेयर, ठीक है, +-4 का स्क्वेयर +2 का स्क्वेयर का रूट, ये निकाल लेते हैं। 64 प्लस कितना मिलेगा हमारे पास? 4 और ये कितना मिलेगा? 4। ठीक है, तो कितना मिल गया हमारे पास? 72 का रूट। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे हमारे? डायरेक्शन कोसाइन होंगे हमारे पास -8/√72, -4/√72 और 2/√72। ये हमारे क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइन। और जो दूसरा तरीका है हम यहां से थोड़ा
थोड़ा सा इसको चेंज भी कर सकते हैं, डायरेक्शन जो रेशियो है अगर कोई कॉमन वैल्यू है तो उसमें से हम उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे टू सब में है तो ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे हमारे पास, माइनस फोर टू और वन हो जाएंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यू बनाए तो कितना मिलेगा, 16 प्लस का 4 प्लस का 1 तो कितना होगा 21। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो सकते हैं, डायरेक्शन रेशो ये होंगे तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, अब हमारे पास नेगेटिव 4 बाई 21, ठीक है, और 2 अपॉन रूट ऑफ 21 और 2 1 अपॉन रूट ऑफ 21। अगर हम डायरेक्शन रेशो यही रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा। और अगर रूल होता है ये, ठीक है, कि डायरेक्शन रेशो में अगर कोई भी वैल्यू अगर कॉमन है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे ऑफ द लाइंस एक लाइन के इक्वली इंक्लाइड द एक्सिस, यानी कि ये हमारे पास थ्री डायमेंशन एक डायग्राम है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इनके पर एक लाइन है, मान लो ये मैंने अपना पेन लिया, ये कोई लाइन है स्पेस में, तो स्पेस में वो लाइन है वो क्या है, तीनों एक्सिस के साथ क्या बना रही है, एंगल बराबर बना रही है। ठीक है, ऐसी वैल्यू है जो मान लो हम हमारे रूम का कॉर्नर देखते हैं और उस कॉर्नर से हम एक धागा स्पेस में रखते हैं, तो वो स्पेस क्या ऐसा, वो धागा ऐसी वैल्यू है जो तीनों दीवारों से क्या बना रही है, इक्वल एंगल। तो हमें पता है एंगल कोसाइन क्या होते हैं, कोस ऑफ अल्फा, तो दूसरा भी क्या होगा, कोस ऑफ बीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ गामा, ये बात हमारे पास क्या हो जाएगी, गिवन हो जाएगी, किसके अकॉर्डिंग, इक्वली इंक्लाइड के द्वारा। ठीक है, अब वो कह रहा है वो डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू बताइए, तो हमें पता है, ये तो हमें पता ही है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम क्या होता है, वन होता है, यानी कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इजिकल टू क्या होता है, वन होता है। लेकिन यहाँ इस गिवन के अकॉर्डिंग हम कोई भी वैल्यू सेम यूज कर सकते हैं, तो सभी को हम क्या यूज कर सकते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इजिकल टू वन, क्योंकि हम बीटा भी यूज कर सकते थे और गामा भी यूज कर सकते थे। ठीक है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 कोस स्क्वायर अल्फा इजिकल टू 1, 3 को नीचे लेके आएंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा इजिकल टू 1 बाई 3 और कोस ऑफ अल्फा इजिकल टू कितना मिलेगा हमारे पास, 1 बाई रूट ऑफ 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हमें पता है कोस की अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की भी यही होगी, गामा की भी यही होगी और डेल्टा की भी होगी, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे हमारे, डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे हमारे, तीनों वैल्यू क्या मिलेंगी, प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस भी लग जाएगा, कितना मिलेगा, 1 बाई रूट 3 ये तो कोस अल्फा, प्लस माइनस रूट 3 ये बीटा के अकॉर्डिंग और प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 ये गामा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ए लाइन मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे हमने डायग्राम बनाया था वैसे ही वो धागा अब की बार क्या बना रहा है, एक दीवार के साथ 90 डिग्री का, एक के साथ 60 डिग्री का और एक दीवार के साथ 30 डिग्री का। तो हमें पता है कोस ऑफ अल्फा, कोस ऑफ बीटा और कोस ऑफ गामा, ये थ्री को क्या होते हैं, कोसाइन होते हैं हमारे पास, थ्री एंगल होते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कोस अल्फा कितना हमारा 90 डिग्री, कोस बीटा कितना हमारा 60 डिग्री और कोस गामा कितना है 30 डिग्री। हम आगे पीछे कौन सा भी यूज कर सकते थे, तो ये करा है इनके साथ जो वैल्यू आएंगी वो क्या है वो बताइए। तो ये कितना होगा, हमें पता है कोस 90 पे क्या होता है 0, कोस 60 पे कितना होता है 1/2 और कोस 30 पे कितना होता है √3/2। तो ये हमारे क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, फाइंड इस डायरेक्शन कोसाइन, तो ये हमारे क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसी का, क्या कह रहा है, ए लाइन मेक एंगल 45 और 60 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टली, यानी कि उसने अब की बार बताया है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ तो एंगल बना रहा है, ठीक है, एक्स और वाई, तो जेड के साथ क्या है, फाइंड एंगल
दैट इट्स मेक विद पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा। तो हमें पता है फिर से हम कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है 45, कोस बीटा की कितनी है 60 डिग्री और कोस डेल्टा को हम डेल्टा ही रख लेते हैं, ठीक है, या गामा यूज कर सकते हैं, डेल्टा यूज कर सकते हैं, कौन सा भी यूज कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। तो हमें पता है कोस 45 कितना होता है 1/√2 और कोस 60 डिग्री कितना होता है हमारे पास 1/2 और हमें पता है कोस गामा एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब हमें पता है इन तीनों का स्क्वेयर का सम यानी कि कोस स्क्वेयर अल्फा कोस स्क्वेयर बीटा कोस स्क्वेयर गामा का आंसर कितना होता है 1 होता है। तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं 1/√2 का स्क्वेयर रख सकते हैं, इसकी जगह क्या रख सकते हैं 1/2 का स्क्वेयर और ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1। इसको सोल्व करेंगे कितना मिलेगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस कोस स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1। इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे कितना मिलेगा हमारे पास 2/3 प्लस कोस स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1। इसको उधर लेके गए तो कोस स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 और कोस स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1/4 बच जाएगा क्योंकि इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो अब इसका स्क्वेयर रूट दोनों साइड से करेंगे तो हमें पता है ये तो कैंसिल आउट हो गया, कोस ऑफ गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, कोस गामा कितना हो गया 1/2 और कोस गामा कितने पे होता है प्लस माइनस 1/2। तो प्लस पे तो गामा कितना होगा 60 डिग्री पे होगा और नेगेटिव पे गामा कितने पे होगा यानी कि कोस नेगेटिव पे 1/2 कहाँ मिलेगा हमें 120 डिग्री पे यानी कि 120 पे नेगेटिव 1/2 देता है कोस और पॉजिटिव पे 60 डिग्री देता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्या दिया है हमारे पास, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल विच ए लाइन मेक विद कोऑर्डिनेट एक्सिस प्रूव दैट साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर अल्फा साइन स्क्वेयर बीटा साइन स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 2, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये कह रहा है अल्फा बीटा क्या है एंगल है और ये बात आपको शो करनी है। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कोसाइन के बारे में, क्या होता है कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस कोस स्क्वेयर बीटा प्लस कोस स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1, ये तो बात हम जानते हैं। अब मैं साइन स्क्वेयर जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, इसके द्वारा मैं साइन स्क्वेयर थीटा की अगर वैल्यू रखूं तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा होती है कोस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू रखूं तो इसी तरह से यहां से इसकी अल्फा की रखूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा यूज कर सकता हूं और इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वेयर बीटा यूज कर सकता हूं और इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वेयर गामा यूज कर सकता हूं इज इक्वल टू 1। एक 1 से 1 कैंसिल आउट कर दिया तो कितना बच गया हमारे पास 2, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव और इधर क्या बचेगा 0, इन सबको इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। तो क्या मिलेगा हमारे पास साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर बीटा प्लस साइन स्क्वेयर गामा, ये ही हमें क्या करना था शो करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है, शो यूजिंग द डायरेक्शन रेशियो बट दैट पॉइंट्स, ये पॉइंट दे रखे हैं आर कोलिनियर, ठीक है, आपको कोलिनियर प्रूव करने हैं। तो हमें किसका यूज करना है डायरेक्शन रेशियो का, तो इसको हम ए पॉइंट मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, इसको सी, हमें पता है डायरेक्ट ए बी इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी सी, ऐसे हमें यूज करना है यानी कि एक पॉइंट कॉमन हो जाएगा तो क्या होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। तो हम ए बी डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 क्या आएगा 1, 3 माइनस 2 यानी कि कितना मिलेगा 5 और -4 -3 -7। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या निकालते हैं बी सी, बी सी निकालेंगे तो कितना मिलेगा 0 -2 -2, फिर कितना मिलेगा -7 -3 -10 और यहां से 10 - 4 कितना मिलेगा प्लस का कितना हो जाएगा 14, ठीक है, प्लस का 14। तो यहां से अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 कॉमन ले सकते हैं और नेगेटिव ले सकते हैं, नेगेटिव 2 कॉमन लिया तो कितना मिलेगा हमारे पास 1, ये कितना मिलेगा 5 और ये -7।
अगर देखा जाए ए बी और बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनली है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू कितना है, नेगेटिव टू टाइम ऑफ बी सी, ठीक है, और दोनों में क्या है वैल्यू, बी कॉमन है, तो क्या हो गया, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, ए बी इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी सी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, नेगेटिव टू। जब ऐसी कंडीशन आ जाए हमारे पास, तो हम तीनों पॉइंट, क्योंकि कॉमन पॉइंट है एक दोनों में, ए बी और बी सी में कौन है, बी, और कॉमन पॉइंट और बराबर वैल्यू आ जाए, तो हम क्या यूज करते हैं कि वो क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, तो ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, किसके द्वारा, हमने डायरेक्शन रेशो का यूज करके इसको सोल्व किया है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गए। किसी भी बच्चे को कोई भी डेफिनेशन में, किस क्वेश्चन में अगर डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।